হ্যাঁ আসছি গো। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং এভরিওয়ান, হোপ ইউ আর অল ওকে এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এসএসসি ডেস্টিনেশন। মে হু আপকা দোস্ত শুভ, হোপ করতো আপ লোক সব বড়িয়া হ্যায় আর বড়িয়া হি রহিয়ে। আর আজ কে হাম লোগ কা ডেস্টিনেশন হ্যায় ওয়ো হ্যায় ভালকি মাচান। তো হাম লোগ নিকল পড়ে হ্যায় সানডে রাইড কে লিয়ে ভালকি মাচান কে তরফ। তো চলিয়ে মিলতে আপ লোগো সে মেন রোড কে উপর। তো দোস্ত জেসে মেনে বোলা থা আজ কা রাইড হ্যায় হাম লোগো কা ভালকি মাচান কে লিয়ে। তো ইয়ে বেসিক্যালি সানডে রাইড হ্যায় হাম লোগো কা গ্রুপ কে সাথ। হাম লোগো কা জো গ্রুপ হ্যায় উসকা নাম হ্যায় হাইওয়ে সিক্রেট। और अभी तो बहुत लेट हो चुका है क्योंकि बोला गया था कि हम लोगों को मीटअप के लिए पहले डेस्टिनेशन में 5:30 बजे, मगर अभी टाइम हो चुका है 6:15, तो लेट है। एक्चुअली लेट होना हम लोगों का आदत है। तो चलिए चलते हैं और लीजिए सुबह सुबह राइड का मज़ा। रोड तो पूरा खाली है, तो कोई सिग्नल भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं देखने का। नीचे वेट करेंगे और देखते कब तक सब आ जाए, उसके बाद फिर से जर्नी है वो शुरू करेंगे। तो अभी आप लोगों का सामने जो मेरा राइट तरफ में जो लाल कलर का गेट दिख रहा है, ये दक्षिणेश्वर मंदिर का गेट। जैसे राइट जाएंगे तो दक्षिणेश्वर बढ़ जाएगा और हम लोग जाएंगे सीधा जो बाली ब्रिज होकर चला जाएगा जहाँ हम लोगों का डेस्टिनेशन गया। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कब तक कौन आता है, उसके बाद फिर से राइट चालू करेंगे। डेस्टिनेशन की तरफ अभी टाइम है 6:30। कुछ मेंबर यहाँ पर आ चुका है और कुछ मेंबर शायद डानपुर में वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, तो उन लोगों से डानपुर में मिलेंगे और वहाँ पर एक टी जलेबी ले लेंगे। तब तक आप लीजिए व्यू का मज़ा और रोड का मज़ा। रोड तो बहुत ही बढ़िया रोड है। तो लगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट। Sunbreak, you know we can.
तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं डानपुरी टोल प्लाजा में। अभी हम लोगों का जो सेकेंड मीटअप भी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लेंगे एक छोटा सा टी ब्रेक भी, और उसके बाद फिर से हम लोगों का जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर सुपर बाइकों का मेला लगा हुआ है। एक्चुअली संडे में यहाँ पर आएंगे तो बहुत सुपर बाइक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं लोगों का बाकी मेम्बर के लिए और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोगों का जो जर्नी है वो फिर से कंटिन्यू हो चुका है, और जो बाकी मेम्बर था वो भी हम लोगों के साथ जुड़ चुका है अभी। तो आज हम लोग टोटल है 10 बाइकर्स और मेम्बर है हम लोगों का 12 मेम्बर जा रहे हैं। আমার তো বললোই না 160 টাকা, আমি ঢুকলো বলে ঢুকলাম। তো অভি হম লোকে ইয়া পর লিয়া থা এক ছোট সা ফুয়েল মে। তো অভি হম লোকা জো নেক্সট ডেস্টিনেশন হ্যায় ও হ্যায় ব্রেকফাস্ট কে লিয়ে রুকেঙ্গে কহীঁ পর। তো দেখতে কহাঁ পর রুকতে হ্যায় ব্রেকফাস্ট কে লিয়ে। और अगर आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बेसिकली ये जो वाल्की माचान है ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है, पड़ता है ये, और कोलकाता से लगभग 3 घंटे का आसपास टाइम लगता है। मैं मेरा आप चाहे तो आप ट्रेन में भी आ सकते हैं। मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दूंगा कि कैसे आना पड़ेगा, कहाँ से आना पड़ेगा। और ये कोलकाता से इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 140 किलोमीटर के आसपास ही है। तो आप अगर चाहते हैं कि एक दिन का एक ट्रिप करने के लिए तो ये अच्छी जगह है। नॉर्मल ये एक जंगल है जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के में अंदर है, पहले आपको बोला था। और यहाँ पर एक ही जो होटल है वो है अरण्य सुंदरी। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको अरण्य सुंदरी और वाल्की माचान। बहुत ही अच्छा है और व्यू तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये जो ग्रीनरी दिख रहा है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ थोड़ा गर्मी है मगर ठीक है। लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं और शायद आधा या पौने घंटे के अंदर पहुँच भी जाएंगे। तो तब तक चलिए चलते हैं और लीजिए व्यू का मज़ा।
সেটা পাবে তো ভি ইয়া পর হো গয়া ছোটা সা প্রবলেম জো ইন্দ্রজিতা হ্যায় উসকা থোড়া ব্যাক পেন হো রাহা হ্যায় ইসিলিয়ে মে আভি উসকা জো এক্সপেন্স হ্যায় ভো মে রাইড কর রাহা হুঁ অর মেরা জো বাইক হ্যায় ভো উসকো রাইড কর রাহা হ্যায় তো আভি কে লিয়ে তো আপ লিজিয়ে ভিউ কা মজা এক্সপেন্স হ্যায় বেসে ইয়ে এক্সপেন্স ভি বহুত আচ্ছা চল রাহা হ্যায় আভি মার্কেট মে ছায়া হুয়া এক্সপেন্স স্পেশালি ফর অফ রোডিং অর টুরিং কে লিয়ে উসকা বজেট কম হো ভো এক্সপেন্স ভি লে সকতে হ্যায় তো চলিয়ে চলতে হ্যায় वाल्की मचान यहाँ पे जो और सुंदर है उसको पहुँचने में तो चलिए चलते हैं पहले ये लाइन क्रॉस कर लें देखते हैं ये विलेज आगे क्या क्या दिखाता है গতম অরণ্য সুন্দরী ভালকি মাচাল তো এই যে বায়া তার রাস্তা হ্যায় যা রা হ্যায় অরণ্য সুন্দরী কে তরফ জো ভালকি মাচাল কা ওয়ান এন্ড অনলি হোটেল হ্যায় আপ আগর চাহে তো ইয়াহ পর রাত কো আগর রুক ভি সকতে হ্যায় তো হম লোগ ইয়াহ সে ইয়াহ পর ফটাফট সে হম লোগো কা বাইক লগা লেতে হ্যায় অর ফির আপকো দিখাতে হ্যায় ইয়াহ কা নজারা
दोस्तों ये था वाल्की माचल का पूरा नज़ारा। आई गेस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन के साथ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे वाल्की माचल से। हम लोगों का प्लान था कि यहाँ पे लंच करके फिर निकलेंगे, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे जो अरण्य सुंदरी वो उतना साफ़ सुथरा नहीं लगा हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाने के टाइम में शक्तिगढ़ के वहाँ पर खा पी के घर चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को शक्तिगढ़ जाके। अपन लंच ही कर लेंगे वहाँ पर, और थोड़ा देर रुकेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जस्ट हम लोगों ने लंच फिनिश किया हम लोगों का, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे कैमरे में चार्ज भी कम है, तो शायद ये ब्लॉग शक्तिगढ़ तक हो पाएगा। रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से रिटर्न जा रहे हैं, तो फायदा नहीं है दिखाने में। तो चलिए, बाय बाय।